Okay, so yes, today we are going to discuss about this psychological theory of human evolution or development, and the title of theory is psychodynamic or psychoanalytical. And this theory is given by well-known neurologist Sigmund Freud. Kindly put the mic off, okay? Now, Sigmund Freud, as the tenure of his life there, 1856 to 1939, was an Austrian neurologist and the founder of psychoanalysis. Psychoanalysis is a technique, okay, a movement that popularized the theory that unconscious motives control much of our behavior. So, psychoanalysis, abhi aaj tak technique use hoti hai duniya mein, psychoanalysis use karte hain. Usme hota kya hai, thoda ghumaun, background bata dun. Psychoanalysis mein ye hota hai ki किसी को भी अगर साइकोथेरापी करनी हो, जैसे वन ऑफ द टेक्निक दैट इज अवेलेबल टू द साइकोलॉजिस्ट, ओके, व्हाट दे कैन डू के वो लोग या वो पेशेंट जो बड़े अनस्टेबल माइंड से आते हैं, दे आर नॉट क्वाइट क्लियर अबाउट देमसेल्फ, दे आर क्वाइट डिप्रेशन में होते हैं, और अगर वो मानते हैं इस बात को एक्सपर्ट के उन पर उनके अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस है, लाइक रेप विक्टिम, लाइक असॉल्ट का विक्टिम, या किसी कोई बुरा मिसहैप देखा, कोई एयर क्रैश का सर्वाइवल, या कोई एक्सीडेंट का, या कोई ऐसा ऐसे पूरी मेमोरीज के पास थी, तो वो लाइफ पूरी में वो उसको नाइटमेयर से वो असर रहता है. तो दोस पीपल रिमेन एज आई सेड के अनस्टेबल पर्सनैलिटीज बन जाती हैं. तो साइकोएनालिसिस टेक्निक जिससे उस बंदे को कॉन्शियस माइंड से लेकर अनकॉन्शियस माइंड में लेके जाया जाता है, और वहां पे जाके कुछ थेरापी से उसके उस अनकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, उसको हील किया जाता है through the process of psychoanalysis. Okay, so psychiatrists kya karte hain generally, usko kehte hain ki aap aaye aur aap extempore bole jo aapke zehen mein aata ho, aap bole jo bhi aap zehen mein aata ho, without any planning, without any of the sochu connect kiye, aap bas bolte jaye. आपको पता है कि जो कोई भी बैड मेमोरी होती है हमारी लाइफ की, जिसका असर हम होता है, हम न चाहते हुए भी उसके बारे में सोचते हैं. हम गाड़ी चलाएं, हम पढ़ाई करें, हम खाना बनाएं, खाना खाएं, टीवी देखें, लेकिन अगर वो बैड मेमोरी का असर हमारे जहन पे आ जाता है, तो हम चाहे नहीं चाहे विल ट्रेवल बैक टू द पास्ट. ओके, भले वो कोई सेपरेशन हो, कोई ब्रेकअप हो, कोई किसी की डेथ होना हो, या कोई किसी लव्ड वन का एलर्जी हो, या कोई बीमारी हो किसी की, सो गेट बैक ऑन द पॉइंट, हम न चाहते हुए भी वहाँ चले जाते हैं पास में. ठीक है, तो यहाँ इस टेक्निक से ये होता है कि उन लोगों को कहा जाता है आप बोलें, एंड दो बड़े माइक ऑफ रखें प्लीज. मसब भाई काइंडली माइक ऑफ कर दें. So that is a technique that makes them to travel to the unconscious mind, jahan par wo zinda hote hain, and then try to manipulate those motive and control behavior. So Sigmund Freud emphasized the importance of unconscious mind, and a primary assumption of Freudian theory is that the unconscious mind governs behavior to a greater degree than the people suspect. एक और बात मैं अनाउंसमेंट कर लूँ, क्योंकि कंबाइन क्लास हम ले रहे हैं, पहले एलएम के स्टूडेंट भी हैं और एमएससी क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट भी हैं, तो उसमें जो दो जो सीआर हैं दोनों बेच के. सर मुझे लगता है बिरला साहब नहीं है. यस सर. जी हाँ, आप हैं, राशिद हैं, उसके अलावा एमएससी जो कौन है, रजाक नहीं. जी सर, आप रजाक है पर आज नहीं है ऑनलाइन. जी जी, जो भी उस जगह पे कोई भी आप जिम्मेदारी ले ले, और आप काइंडली इसकी स्क्रीनशॉट ले. जी जी नवीद. ओके सर, स्क्रीनशॉट ले लिया है. अच्छा, काइंडली अगर मेरे को सर ग्रुप में एसएमएस कर ले, तो रोल नंबर और एमएससी वगैरह लिख ले, जो डिपार्टमेंट है एलएलएम के हो तो एलएलएम के स्टूडेंट न्यू, इसमें 5-6 स्टूडेंट न्यू आए हैं सर. नहीं, वो एमएससी स्टूडेंट है ना, वो कंबाइन का कंबाइन क्लास ले रहा हूं, कंबाइन क्लास ले रहा हूं. तो आप ये कि आप जो आप मेट्स हैं, आप उनको जानते हैं, तो आप काइंडली उनके जो रोल नंबर नाम है, कम से कम नाम उनके आप एक मैन्युअली लिख लें, नोट कर लें, और बाद में आप मुझे वो सेंड कर लें मैसेज में. स्क्रीनशॉट मुझे आप नहीं भेजें, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कौन कौन सा, तो उसको मैन्युअली आप उसको नोट डाउन करते हैं. अभी तक आपके पास पूरी वो लिस्ट आएगी, उसके बाद फिर जो आपके जो बेस्टमेट है उनको
नोट डाउन करें फिर मुझे विकलास के पास भेज दें दोनों। यस सर। ठीक है ओके जी। So there's disconnection. We are just about few seconds away. So please join again. Sir, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। Please, if you have any compulsion, you can go.